मुझसे नहीं कर पाता, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह छह छह घंटे। Just working hard doesn't do things in the world. आई शुरू। ये चैप्टर अभी नहीं यार, ये बहुत टफ है। अरे ये तो एंड में हो जाएगा, बहुत ही इजी है यार। ये फोन मुझे पढ़ने नहीं देगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। 640, 645, 650. Oh shit, 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 shit. देखो एग्जाम सर पे है और अभी तक आपने अपने सिलेबस को ही कंप्लीट नहीं किया और आपने ऐसा सोचा है कि आप एग्जाम डे से वन नाइट पहले स्टडी करके अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट। 120 पेजेस है, 8 घंटे है, 4 मिनट पर पेज, 50 मार्क तो आ ही जाएंगे, पास तो हो जाऊंगा। और आपको लगता है कि आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस दिन आप ऐसा करोगे। ना भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्र चिपका कराएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। तो यकीन मानिए आप ऑल इंडिया रैंक तो क्या, आप अपने एग्जाम को भी क्लियर नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 5 मेथड, ऐसे टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने सिलेबस को फास्टेस्ट वे में कंप्लीट कर पाओगे। कुछ डाउट बता रही हूँ, इनमें से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती होगी। फर्स्ट, किस मेथड को फॉलो करें जिससे आप अपने सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर पाओ। सेकंड, साइंटिफिक मेथड क्या है जिससे आप अपने सिलेबस को फास्टेस्ट वे में कंप्लीट कर तो पाओगे पर उन सिलेबस उन टॉपिक्स को आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे, भूलोगे नहीं। क्या पूरी बुक कंप्लीट करनी होगी अपने सिलेबस को कवर करने के लिए? दी, टाइम मैनेज कैसे करें अपने सिलेबस को कंप्लीट करते वक्त? दी, आज के टारगेट टॉपिक्स तो कंप्लीट ही नहीं हुए तो कल क्या दूसरे टारगेट्स बनाओ या पहले अपने बचे हुए सिलेबस को कंप्लीट करो। अब एग्जाम सर पे है, सिलेबस को कंप्लीट करते करते बोर हो गई हूँ तो अब जितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उन्हीं का रिवीजन करो या फिर न्यू टॉपिक को पहले कवर करो। तो अगर आपका इनमें से एक भी डाउट है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे के सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। फर्स्ट है मैनेज टाइम स्मार्टली। इस चीज को अच्छे तरीके समझाने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि कंडीशन ऐसी की गई है कि आपको ठंड में बिल्कुल ही ठंडे पानी से दिन में एक बार नहाना है जो कि ठंड के मौसम में करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप ये काम दिन के किस टाइम में करना पसंद करेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। एंड यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया कि इस चीज को करने का सबसे बेस्ट टाइम होगा सुबह सुबह उठने के फौरन बाद, क्योंकि इतने ठंड में ठंडे पानी से नहाना यह दिन का सबसे मुश्किल एंड वर्स्ट काम है। अगर आप इसी काम को सुबह उठते ही कर लेंगे तो आपका माइंड पूरे दिन भर टेंशन फ्री रहेगा। सेम इसी तरह आपको अपने स्टडी में भी अप्लाई करना है। वो कैसे? आपको अपने सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग टफ एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स को सुबह सुबह ही कवर कर लेना है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट ना होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप अपने टफ एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आगे के लिए डालते रहते हैं। मतलब ये बोल के कि मैं उसे आज शाम को कर लूंगी या फिर कल सुबह कर लूंगी, एंड यही ट्रेंड आपका डेली चलता रहता है। एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि पहले 10 मिनट रील्स देख लेते हैं उसके बाद स्टडी कर लूंगी, एंड वो 10 मिनट कब 1 से 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है ये आपको खुद ही पता नहीं चलता। सेम यह ऐसा होता है उस ठंडे पानी को देखते रहना एंड सोचना कि मुझे नहाना तो है ही तो मैं इसे बाद में कर लूंगी, एंड यही चीज आपके बाद में टेंशन एंड स्ट्रेस का कारण बनती है। एंड मॉर्निंग में डिफिकल्ट कार्य करने का एक और फायदा भी है कि उस टाइम आपकी विल पावर मैक्सिमम रहती है जिससे आप बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस्ड होकर स्टडी कर पाते हो। यहाँ तक की बात तो हो गई कि आपको करना कैसे, पर अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, इस चीज को हम कंसिस्टेंटली कैसे कर पाए। इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताती हूँ। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपके साथ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। आपने अपने घर में देखा होगा कि जब आपकी मम्मी मार्केट जाते सब्जी लेने के लिए तो सबसे पहले वही सब्जी लेती है जो उन्हें आज बनाना होता है, जो वो घर से ही सोच के आती है। तो जब वो इतने क्लियर रह सकती है तो आपको इतने डिस्ट्रैक्शन एंड कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि आपको ये पता है कि मार्केट में बहुत सारी टाइप्स की सब्जियां मिलती है पर फिर भी वो वही सब्जी लेती है। सेम यही चीज आपको अपनी स्टडी में भी अप्लाई करनी है। वो कैसे? इसके लिए आपको वन नाइट पहले नेक्स्ट डे का प्लान बनाना है एंड उस प्लान में आपको इन 5 मेथड एंड टेक्निक्स को फॉलो करते हुए प्लान बनाना है, जिसमें फर्स्ट है डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट इन अ सिंगल डे। आपको ये डिसाइड करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि उसमें सबसे टफ सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, देन आप उसी का रिवीजन कब करोगे एंड उसी का मॉक टेस्ट कब दोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आप A to Z क्लियर हो जाओ। सेकेंड है थिंक ऑन पेपर। आज तक मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की है उनमें से मैक्सिमम 10% स्टूडेंट भी ऐसे नहीं होंगे जो अपने गोल्स एंड टारगेट्स एंड प्लान्स को कॉपी में लिखते होंगे।
आपको मैं बता दूं कि जो हमारा ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने में उतना अच्छा नहीं है जितना न्यू आइडिया और इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने में है। इसलिए जितना भी हो सके न्यू आइडियाज, इंपॉर्टेंट वर्क एंड ऑल्सो जब आप रिविजन करते हैं तो उन सबको कॉपी में नोट करने की आप अपनी हैबिट बनाओ। एंड जो स्टूडेंट कॉपी एंड पेन का यूज नहीं करना चाहते वो सेम चीजों को अपने फोन में भी कर सकते हैं। थर्ड और इम्पॉर्टेंट है मेक डेडलाइंस। जो भी आपके टारगेट्स एंड प्लान्स हैं उस सिंगल डे के लिए उसमें आप डेडलाइंस या फिर टाइम लिमिट देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको ही पता है कि जब तक आपके पास कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता तो आप उस काम को टालते रहते हो। फोर्थ है टेक एक्शन ऑन योर प्लान। जो भी आपने टारगेट्स बनाए हैं आपको उनको प्रॉपरली उन पे एक्शन लेना है एंड टाइमली आपको उन पे वर्क करना है। फिफ्थ है अगर आप अपने आज के टारगेट्स को टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं तो खुद को रिवॉर्ड देना बिल्कुल ना भूल, जिससे आपका माइंड नेक्स्ट डे के लिए भी प्लानिंग करता है। सेकंड है हाइलाइटिंग टेक्निक। देखो अगर आप जब भी किसी कॉन्सेप्ट को याद कर रहे हो तो आपको उसके कॉन्सेप्ट के टेक्स्ट को बार बार पढ़ने के बजाय एक बार उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो और समझ लो, जिनको याद रखने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाए एंड उस कॉन्सेप्ट को आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर पाओ। देन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पॉसिबल कैसे हो, तो इम्पॉर्टेंट एंड हाइलाइटिंग वर्ड्स को याद रखने के लिए आप माइंड मैपिंग कर सकते हो एंड ऑल्सो विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक का यूज कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो का यूज करके। थर्ड है चैलेंज योर सेल्फ कि अगर आपको एक घंटे में एक चैप्टर को कम्प्लीट करना है तो आपको अपने सामने अपने फोन में एक घंटे का उल्टा टाइमर लगाना है। ऐसा करने से आपके ऊपर एक प्रेशर बनेगा और साथ ही आपको एक डेडलाइन भी मिलती है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपके डिस्ट्रैक्ट होने पर उस टाइमर को देख के इंस्टेंटली आपका ध्यान दोबारा आपके चैलेंज पर आ जाएगा। लास्ट है टेक अ ब्रेक इन अ फिक्स टाइम स्लॉट कि जब भी आप एक फिक्स टाइम स्लॉट के अंदर स्टडी करते हो, लाइक 40-45 मिनट की अगर आप स्टडी करते हो तो आपको उसके बाद 5-10 मिनट के ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आपने उस फिक्स टाइम स्लॉट के अंदर स्टडी किया वो आपके लॉन्ग टाइम मेमोरी में स्टोर हो पाए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना एंड एक उस स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना जिसका अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।